सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से द टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ राजेंद्र। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, आप इमेज को आप कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मतलब स्मार्टफोन पर मोबाइल पर आप कैप्चर किए हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो फ्रेंड्स उस इमेज को यानी कि डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि फ्रेंड्स इमेज को आप कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो पर आपको फुल्ली प्रोसेस के साथ बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, आप इजी से कैसे इमेज को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी हेल्पफुल कंटेंट हमारे चैनल पर आती रहती है, सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल गया। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ फ्रेंड्स, आप जाकर के सबसे पहले इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर एप्लीकेशन को आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस तरीके से यूजर इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाती है। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इस तरीके से आ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस आइकन है, तो फ्रेंड्स आपको सिंपली प्लस आइकन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपको इस तरीके से यहाँ पर इमेज आपको आ जाएगी, अपना गैलरी ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह को आप जो भी आप कैप्चर किए हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो फ्रेंड्स आपको डॉक्यूमेंट्स को आपको सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैं कैप्चर कर चुकी हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ 1, 2, 3, 4। तो फाइनली यहाँ पर मैं चार्ट और डॉक्यूमेंट्स पेपर को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर चुकी हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाती है, तो फ्रेंड्स आपको सिंपली उसको आपको क्लिक करना होगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड कैसे कलरिंग है, उसके बाद मोबाइल भी दिख रहा है बाहर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्रॉपिंग करना है। तो फ्रेंड्स, आप कैसे क्रॉपिंग करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो ऊपर में मिल जाए क्रॉप करने का ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, उसको आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रॉप हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको अपना हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, क्रॉप कर लेना है आपको। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, फ्रेंड्स आप देख सकते हो नेक्स्ट पर आप सिंपली क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड रोटेट होकर है डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रेंड्स, उसको आप कैसे करना है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो राइट है, लेफ्ट है, रोटेट। तो फ्रेंड्स, राइट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आएगा, उसके बाद फिर से आपको राइट पर क्लिक करना होगा। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हो फाइनली अभी हो चुकी है अच्छे से। तो फ्रेंड्स, इसको आप क्या करना है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, इमेज मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे भी अच्छा लगेगा वैसे आपको कलरिंग करना है, तो आप कलर भी डार्क कर सकते हो यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैं ओरिजिनल रखता हूँ। ओरिजिनल रखने के बाद फिर अभी क्या करना है फ्रेंड्स, आपको एक तो पेपर हो चुके हैं, आपको चार्ट पेपर हम लोग सेलेक्ट किए थे, तो फिर देख सकते हो 1/4 है, फाइनली एक पेपर हो चुका है। उसको तब यहाँ पर स्लाइड करना है, स्लाइड यानी कि फ्रेंड्स राइट स्वाइप करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड पेपर आ जाएगी, यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन 2 दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, उसको आपको क्रॉपिंग करना होगा, उसके ऊपर आप सिंपली फिर से आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अपना हिसाब से फिर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये भी इसे दिख रहा है फ्रेंड्स, उसको आपको रोटेट कर देना है। अभी रोटेट हो चुकी है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको फिर से आपको यहाँ पर स्वाइप कर देना है, राइट स्वाइप। उसके बाद फिर चार इस तरीके से आएगा, फिर से आपको यहाँ पर क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट के ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे, उसके बाद इस तरीके से आ जाएगी। देन दोस्तों, हमारा लास्ट है इस तरीके से, उसको भी आपको क्रॉप कर लेना है। सबसे पहले अपना हिसाब से जैसे भी होगा वैसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर से आपको राइट करना है। राइट पर क्लिक करने के बाद उसको फाइनली यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी। देन दोस्तों, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, पर डॉन का ऑप्शन मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली डॉन के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो चार्ट पेपर यहाँ पर आपको इस तरीके से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कन्वर्ट टू पीडीएफ है, तो फ्रेंड्स आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद उनका इस तरीके से आ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो मेरा पीडीएफ फाइल नेम, अगर आप क्या रखने चाहते हो तो फ्रेंड्स आप पीडीएफ फाइल नेम रख सकते हो। तो फाइनली यहाँ पर मैं कंप्यूटर नोट्स लिख देता हूँ, कंप्यूटर नोट्स लिख दिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर पासवर्ड मिल जाता है नीचे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड। तो फ्रेंड्स, आप जो भी पासवर्ड अगर आप रखेंगे तो फ्रेंड्स आपको सिंपली पासवर्ड चेक बॉक्स पर टिक करना होगा। उसके बाद हमारा आपको पासवर्ड एंटर करना होगा। यहाँ पर देख सकते हो मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, Raj1432 कर दें। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप मार्जिन भी करेंगे तो फ्रेंड्स आपको मार्जिन का ऑप्शन मिल जाती है, यहाँ पर देख सकते हो मार्जिन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ओरिजिनल है, लो क्वालिटी मिल जाएगा, मीडियम क्वालिटी मिल जाएगा, हाई क्वालिटी, ओरिजिनल। तो फ्रेंड्स, मैं ओरिजिनल कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स ऑटो है, पर ओरिएंटेशन ऑटो रखता हूँ मैं। उसके बाद फ्रेंड्स मार्जिन भी हो चुकी है। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कन्वर्ट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो कन्वर्ट टू पीडीएफ सक्सेसफुली हो गई है। उसको दोस्तों, मैं अभी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो हमारा ओपन विद दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सिंपली उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन 2 आ जाएगी, यहाँ पर ड्राइव पीडीएफ व्यूअर मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा WPS ऑफिस मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं पीडीएफ के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो दिस फाइल इज प्रोटेक्टेड, पासवर्ड जो मैं पासवर्ड दिया था फ्रेंड्स, तो उस पासवर्ड में यहाँ पर एंटर करता हूँ अभी, RAZ@1432 पर दे दिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स ओपन पर क्लिक करता हूँ।
तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमारे देख लो पीडीएफ कन्वर्ट होकर आ गई है फ्रेंड्स, हमारे पीडीएफ भी हमारे ओपन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से आप पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हो इमेज, कोई भी इमेज को। तो आई होप कि इस वीडियो को पसंद ही लगा होगा। तो फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता है दोस्तों, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है।